मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर कहा कि वो कभी बीजेपी के हुए ही नहीं थे, वो तो अपने घर में ही वापस आए हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने पार्टी से गद्दारी करने वाले और गद्दारों को खरीदने वालों को देख लिया है, इसलिए ये चुनाव जीतना वर्सेस बीजेपी और जनता का है, उतना ही कांग्रेस ये चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसको लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी हमारे साथ हैं। सर, आज से शुरुआत हो गई, कई बीजेपी नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, गुड्डू प्रेमचंद गुड्डू जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो बीजेपी नेता थे ही नहीं, वो तो कांग्रेस ही नेता थे और अपने घर में वापस आ रहे हैं, स्वागत है उनका। फिर भी सर क्या लग रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा सीमांतवादी ताकतें थी कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस छोड़ी थी, अब घर वापसी की है। ये उनका खुद का कथन है जो आपने स्वयं देखा है, सुना और अपने रिकॉर्ड किया है। निश्चित तौर पर ये जो सामंतवाद की बात गुड्डू जी कर रहे हैं, उनने करीब से देखा है, इसलिए तो वो अपना टिप्पणी दे रहे हैं। ऐसा तो माना जाए ये शुरुआत है, अभी बहुत लोग आने वाले हैं क्योंकि उपचुनाव की तैयारी तो कर दी है कांग्रेस ने शुरू। देखिए, हमारे पास वो आ रहे हैं जो मन कर्म वचन से स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कांग्रेस में। हमारे पास वो नहीं आ रहे हैं जो भाजपाओं के नेताओं के साथ, यानी भाजपा के गद्दार लोगों के साथ अगर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनको आत्म अवलोकन करना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। ये जो जैसा कर रहे हैं उनको अवलोकन करने की बात है। क्यों है? क्योंकि किसी ने तो पैसा खाया है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? इसलिए आत्म अवलोकन करो, जबरदस्ती में पीछे मत लगो, समय काल परिस्थिति को देखो कि किसने सिद्धांत बेच दिए, किसने नैतिकता बेच दी। ऐसे सिद्धांत बेचने वाले और नैतिकता बेचने वालों के साथ मत लगो, मत जाओ, अच्छे लोगों के पास आओ। अरे तैयारी क्या भैया, हम तैयारी ना करेंगे तो और कौन करेगा? जिन लोगों ने पीठ पे छुरा भोंका है, आजादी के बाद गद्दार बने हैं, उन गद्दारों के पीछे हम तो छोड़, जनता जवाब देगी। हम तो चाहते हैं ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा होए, क्योंकि गद्दारी उनने की है, बेचने वाला भी दोषी, खरीदने वाला भी दोषी। ये थे हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो आगामी चुनाव उपचुनाव होना है वो जनता वर्सेस जो है भाजपा होगा, कांग्रेस के साथ जनता, और निश्चित ही रूप से जो है 24 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, ID24 भोपाल।